हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या होता है मोबाइल कंप्यूटिंग और कैसे इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं मोबाइल क्या होता है एंड कंप्यूटिंग क्या होता है। अगर सिंपल में आप डिफाइन करें तो वह कोई भी डिवाइस जो मूव करते टाइम भी वर्क करता है, उस तरह के डिवाइस को हम लोग मोबाइल के कैटेगरी में रख सकते हैं। द डिवाइस विच कैन एबल टू मूव और बी मूव्ड इजिली वर्क इज कॉल्ड मोबाइल। यानी कि वह डिवाइस जो आप कहीं भी जा रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं और उस टाइम भी बहुत ही आसानी से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है, उसको हम लोग मोबाइल एक कैटेगरी में रख सकते हैं। कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो यह एक तरह का प्रोसेस है ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कंप्लीट ए गिवन टास्क। मतलब कि वह कोई भी प्रोसेस जो अपने टास्क को, दिए गए टास्क को कंप्लीट करने में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटिंग। तो एक तरह का प्रोसेस है और वह प्रोसेस जो अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी को यूज करता है, उसको कहेंगे मोबाइल, यानी कि उसको कहेंगे कंप्यूटिंग। अब इन दोनों टर्म को हम लोग को मिलाकर डिफाइन करना है कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करना किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। मोबाइल का मतलब होता है मूविंग, यानी कि आप चलते चलते किसी भी टास्क को मोबाइल से आप कर सकते हैं या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मोबाइल है और एक सिस्टम है। तो मोबाइल से सिस्टम में जो कनेक्शन हुआ है वो हुआ है डेटा केबल के साथ। तो डेटा केबल के थ्रू हम लोग डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मोबाइल में। ठीक उसी प्रकार से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा का ट्रांसफर करना है तो हम लोग किसी भी केबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मोबाइल रखे हैं और दूसरा मोबाइल है, इन दोनों मोबाइल के बीच अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो डेटा को बिना केबल के, यानी बिना किसी फिजिकल लिंक के, यहाँ पे देखिए कोई फिजिकल लिंक नहीं है, फिर भी आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं वॉइस को, यानी कि वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं या वीडियो को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक डिवाइस से अनदर डिवाइस। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल है और इस तरह के टेक्नोलॉजी को हम लोग कहेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग। और ये सारा काम आप चलते चलते भी कर सकते हैं। आप ट्रेन में हैं, मूव कर रहे हैं, आपका दोस्त कहीं और है जिसके मोबाइल पे आप किसी छोटे से क्लिप को या किसी डेटा को या पिक्चर को आप सेंड करना चाहते हैं, तो आप मूविंग में हैं, फिर भी आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं बिना किसी फिजिकल लिंक के। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी को हम लोग कहेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप मोबाइल में कंप्यूटर से या कंप्यूटर में मोबाइल से आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल लिंक के, तो ये टेक्नोलॉजी मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप कंप्यूटर से कंप्यूटर में भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल लिंक में, आप मूविंग है फिर भी आप डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज मोबाइल कंप्यूटिंग। तो हम समझते हैं कि आपको ओवरव्यू मिल गया है कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। आप सिंपल में कह सकते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना फिजिकल लिंक के, तो उसे हम लोग कहेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग। अब हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप कह सकते हैं यह एक तरह का टेक्नोलॉजी है, यानी कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, एक तरह का टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस विदाउट एनी फिजिकल लिंक। मतलब यह है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग डेटा को एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल लिंक का, और ये पॉसिबल है अगर आप मूव कर रहे हैं फिर भी पॉसिबल है, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज मोबाइल कंप्यूटिंग। इन अदर वर्ड्स, आप दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। मतलब कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यह डेटा ट्रांसमिशन को अलाउ करता है, वॉयस को ट्रांसमिट कर सकता है, वीडियो को ट्रांसमिट कर सकता है वाया कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस डिवाइस विदाउट एनी फिजिकल लिंक। यानी कोई भी ऐसा डिवाइस जो विदाउट वायर
काम कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं वायरलेस डिवाइस। और उस डिवाइस से अगर डेटा को, वॉयस को, वीडियो को, पिक्चर को अगर ट्रांसमिट कर पा रहे हैं चलते चलते बिना फिजिकल लिंक के, तो इस टेक्नोलॉजी का ही नाम है मोबाइल कंप्यूटिंग। इन दिस टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसमिशन इज डन वायरलेसली। इस टेक्नोलॉजी में डेटा का ट्रांसमिशन वायरलेसली डन होता है, मतलब कि बिना वायर के हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ वायरलेस डिवाइस सच एज मोबाइल या लैपटॉप। यानी कि वायरलेस जो डिवाइस होते हैं जैसे मोबाइल है, लैपटॉप में है, इन सभी का यूज करके हम लोग वायरलेसली डेटा का ट्रांसमिशन कर लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाएगा। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, तीन कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्री कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आपका पहला है मोबाइल कम्युनिकेशन। पहला कॉन्सेप्ट हो गया मोबाइल कम्युनिकेशन, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकंड हो गया मोबाइल का हार्डवेयर, क्योंकि जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट होना चाहिए, यानी कि मोबाइल आपके पास होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। थर्ड है उस मोबाइल में या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मोबाइल का कम्युनिकेशन किस प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है वो प्रोटोकॉल भी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तीन कॉन्सेप्ट पे मोबाइल कंप्यूटिंग जो है ना काम करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप मोबाइल से वायरलेसली आप चलते चलते कहीं भी मूव कर रहे हैं और ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डिफाइन हम लोग कर सकते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन स्पेसिफाइज ए फ्रेमवर्क। ये क्या है? एक तरह का फ्रेमवर्क है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा फ्रेमवर्क जो आप स्पेसिफाई करता है कि आप यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि मोबाइल कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सेकेंड पॉइंट है दिस फ्रेमवर्क इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वायरलेस डिवाइस। मतलब कि यह कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंसिस्टेंसी के लिए। मतलब है कि आप जब डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एरर नहीं जाने वाला है। जब भी जाएगा तो आप सक्सेसफुली डेटा को ट्रांसमिट कर लेंगे, अगर एरर होगा तो आपको फिर से वो कहेगा कि दोबारा रिट्रांसमिट कीजिए। रिलायबिलिटी मतलब कि बहुत ही इजिली आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो ये इंश्योर करता है कौन? मोबाइल कम्युनिकेशन। द मोबाइल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज प्रोटोकॉल सर्विसेस बैंडविड्थ एंड पोर्टल्स। कह रहा कि मोबाइल कम्युनिकेशन जो फ्रेमवर्क होता है इसके पास क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइस है? तो प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। मतलब कि किसी एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है। तो इसके पास पहला होता है कि रूल्स होता है। सेकंड इसके सर्विसेस होते हैं जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। बैंडविड्थ का मतलब होता है रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, यानी कि किस रेट से आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। और पोर्टल का मतलब इसके पास बहुत सारे पोर्टल्स भी हैं जिसके माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस डिवाइसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ए स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब कि ये जो डिवाइसेस होते हैं जैसे प्रोटोकॉल्स हो गया, सर्विसेस बैंडविड्थ हो गया, पोर्टल्स हो गया, ये सब जो होता है ना स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक तरह का आप फ्रेमवर्क कह सकते हैं जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जो मोबाइल कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड बात करते हैं हार्डवेयर का। तो आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस हो, टेबलेट हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, तो जो मूव कर सकते हैं लेकर के उसको, और साथ ही साथ इसके पास जो है ना वायरलेसली कनेक्शन हो, मतलब कि वायर की जरूरत नहीं पड़ता हो, विदाउट वायर कनेक्ट हो सकता है, तो उसको इसमें यूज कर सकते हैं। और ये इसका कॉन्सेप्ट होता है मोबाइल कंप्यूटिंग का, मतलब ये होना चाहिए। मोबाइल हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल हार्डवेयर के पास क्या होता है? मोबाइल का डिवाइस होता है, डिवाइस के कंपोनेंट्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू रिसीव और एक्सेस द सर्विस मोबिलिटी। यानी कि वैसा डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं, उस तरह के डिवाइस होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल हार्डवेयर कैन बी स्मार्टफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पोर्टेबल पीसी हो सकता है, टेबलेट पीसी हो सकता है, या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये सारे क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं इसके।
दीज डिवाइसेस आर इन बिल्ट विथ ए रिसेप्टर मीडियम दैट कैन सेंड एंड रिसीव सिग्नल। मतलब ये जो डिवाइसेस होते हैं इसके पास पहले से जो है ना इन बिल्ट रिसेप्टर होता है जो इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। दीज डिवाइसेस आर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन फुल डॉपलेक्स मोड, यानी कि ये कम्युनिकेशन मोड होता है। तीन तरह के कम्युनिकेशन मोड हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स, हाफ डॉपलेक्स एंड फुल डॉपलेक्स। फुल डॉपलेक्स का मतलब होता है कि आप डेटा को ट्रांसमिट जब करते हैं तो एक ही समय में आप डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और इसे एग्जांपल होता है मोबाइल से जब हम लोग बात करते हैं तो एक ही समय में दोनों आदमी बोल रहा होता है फिर भी दोनों आदमी का आवाज सुनाई देता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं फुल डॉपलेक्स। अगर एक आदमी बोल रहा है एक समय में और दूसरा आदमी सुन रहा है, फिर दूसरा आदमी बोलेगा तो पहला आदमी सुनेगा, इस तरह कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। और एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है, जैसे टीवी। तो टीवी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, उस तरह कम्युनिकेशन को हम लोग सिंप्लेक्स कहेंगे। तो इसको आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसके दो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया और दूसरा हो गया मोबाइल का हार्डवेयर होना चाहिए और उस हार्डवेयर को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम बात करेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर का। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर में देखते हैं अलग अलग जो सिस्टम होते हैं मोबाइल्स होते हैं उसके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी का है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे मोबाइल को, जो हार्डवेयर मोबाइल होते हैं या लैपटॉप होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि इसके बिना हम लोग सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट रन ऑन मोबाइल हार्डवेयर। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है एक तरह का प्रोग्राम होता है जो मोबाइल के हार्डवेयर पे रन करता है और टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है, इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। दिस इज डिजाइन टू डील कैपेबली विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है इस प्रोग्राम को कि आपके मोबाइल का क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें किस तरह के काम को आप करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसा मोबाइल है जिसमें कुछ काम को नहीं कर सकते हैं और उससे थोड़ा सा महंगा फोन आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। तो उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ना उसके प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द अप्लायंस ऑफ मोबाइल सर्विस, यानी मोबाइल सर्विस के लिए क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज द हार्ट ऑफ द मोबाइल सिस्टम, दूसरे शब्दों में आप इसको मोबाइल का जो है ना दिल कह सकते हैं। दिस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट दैट ऑपरेट द मोबाइल डिवाइसेस, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है मोबाइल का जो है ना इसको हार्ट कह सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोबाइल को यूज करने के लिए, मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए। तो हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है और इसके तीन कॉन्सेप्ट है, मोबाइल कम्युनिकेशन जो एक फ्रेमवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दूसरा होता है मोबाइल का हार्डवेयर होना चाहिए और उस मोबाइल के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए मोबाइल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये तीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मोबाइल कंप्यूटिंग। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पर, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन तो हो सकता है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन वाइल ऑन मूव, जब आप चल रहे हैं मूव कर रहे हैं उस टाइम में डेटा को आप सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस में आप इसका यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप मूव कर रहे हैं और इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस में इसका यूज करते हैं, आप किसी भी जगह पे हैं आप अपने लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, या किसी जगह पे जाना है तो उसके लोकेशन को आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं, चलते चलते आप उसको देख सकते हैं। इमरजेंसी सर्विसेस, कहीं भी एक्सीडेंट होता है या कहीं कुछ होता है तो इमरजेंसी केस में किसी को कॉल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, यानी कि मोबाइल का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज, यानी कि न्यूज का ट्रांसमिशन होता है तो उसको जो है ना हम लोग देख करके जो है ना वर्ल्ड के में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको हम लोग जान सकते हैं, यानी कि न्यूज से हम लोग हमेशा अपडेट रहते हैं। इंटरटेनमेंट सर्विसेस, यानी कि इसका यूज हम लोग इंटरटेनमेंट में भी करते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं अगर 4 घंटे का सफर है तो इजिली जो है ना हम लोग मोबाइल यूट्यूब देख करके या किसी भी वीडियो को देख करके इंटरटेन करते चल जाते हैं और आसानी से हमारा जो है ना सफर कट जाता है। एजुकेशन सर्विस में, यानी कि पढ़ने में हम लोग इसका यूज करते हैं, एजुकेशन टीचिंग में भी इसका यूज हो जाता है। तो ये सारे जो है ना इसके एप्लीकेशन है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके एप्लीकेशन भी हैं। तो हम लोग आज के सेशन में समझे कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके थ्री कॉन्सेप्ट हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर, और इसके एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट है जिसको हम लोग अभी डिस्कस किए।